हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के वीडियो में रिव्यू करेंगे हम ला फ्रेंच के ब्लैक गोल्ड परफ्यूम स्प्रे फॉर मेन का। रिव्यू में हमेशा की तरह एक नज़र डालेंगे पैकिंग और बॉटल डिजाइन पर, और साथ ही बात करने वाले हैं नोट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, यूजेज, किस एज ग्रुप के लिए सही है और किस सीजन में बेस्ट सूटेड है। आउटर पैकिंग की बात करें तो शाइनी गोल्डन कलर के नॉर्मल पेपर से हुई है, देखने में एकदम सोने की बट्टी जैसी दिखती है। गोल्डन बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर के प्रिंट में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये परफ्यूम को रिच, एक्सपेंसिव, प्रीमियम फील देता है। सामने की तरफ ब्लैक गोल्ड ला फ्रेंच फॉर मेन परफ्यूम स्प्रे क्वांटिटी 100 ml लिखा हुआ मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन फ्रंट एंड बैक दोनों जगह मिलती है। एक तरफ देखें तो उधर परफॉर्म लिखा हुआ है, कॉशन और इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ देखें तो मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, इसकी प्राइस 799 rupees, एक बैच नंबर और शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदेंगे तो ये आपको आराम से 400 से 500 के बीच रुपए के बीच में मिल जाएगा। इनकी अपनी वेबसाइट पर 40% ऑफ चल रहा है। मैंने इसको क्रेडिट स्टोर से सिर्फ 240 rupees में खरीदा। परफ्यूम बॉटल की बात करें तो मैट फिनिश पर गोल्डन कलर से वही सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो बॉक्स पर मिलती है। इसकी कैप गोल्डन कलर के प्लास्टिक की है और उस पर डॉटेड डिजाइन परफ्यूम को प्रीमियम लुक देता है। फाइनली इसका एटमाइजर बहुत डिसेंट है, अच्छा जूस रिलीज करता है, लीक नहीं करता, और हर स्प्रे में आपको अच्छा खासा जूस मिलता है ताकि आपको कम इसको यूज करना पड़े। 100 ml की ये बॉटल है, इसमें आपको आराम से 800 sprays मिल जाते हैं। आइए इसकी नोट प्रोफाइल समझते हैं। बहुत ही प्यारा थ्रो है दोस्तों। जो नोट प्रोफाइल कंपनी ने दी है उसमें टॉप नोट्स में आपको कार्डमम, नटमेग, ब्लैक पेपर, पिमेंटो मिलता है। मिड नोट्स में कॉफी और लेदर मिलता है। बेस नोट में वेटिवर और एम्बर। तो बहुत ही डिटेल्ड इसका जो नोट प्रोफाइल का ब्लेंड है। तो जब आप इसको इनिशियली स्प्रे करते हैं तो उसमें आपको एक रिफ्रेशिंग, हल्का स्वीट और स्ट्रॉन्ग स्पाइसी हिट मिलता है। साथ ही में आपको कॉफी, जो इसका मेन नोट आपको फील होता है, वो कॉफी की स्मोकीनेस, कॉफी साथ में वुडी स्मोकी फ्लेवर मिलता है। ये स्मोकीनेस लेदर से, लेदर का नोट हो सकता है। फाइनली इसके बेस नोट में वेटिवर और एम्बर मिलता है। ये नोट प्रोफाइल इसको एक यूनिक कॉफी फ्लेवर्ड फ्रेग्रेंस बनाता है और लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस के लिए तैयार करता है। तो जब परफॉर्मेंस की बात करी रहे तो कमाल की परफॉर्मेंस मिलती है इसकी भी। लॉन्ग लास्टिंग है स्किन और क्लोथ दोनों पर, आराम से 7 से 8 घंटे की परफॉर्मेंस मिलती है और उससे ज्यादा भी। इसको आप फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों ओकेशंस में यूज कर सकते हैं। अगर आप इनफॉर्मल्स की बात करें तो आप इसको कैजुअली वेयर भी कर सकते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग। इवनिंग में ये ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, नाइट टाइम में जब थोड़ा कूल हो जाता है, विंटर्स में स्पेशली इसमें आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। ये फ्रेग्रेंस थोड़ी मैच्योर्ड है, कॉफी है इसमें, स्मोकीनेस है और स्पाइसी है थोड़ी सी, तो इसलिए उन जो ऐसी कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं उनके लिए तो है ही, और इसलिए मेरे हिसाब से 25 साल एंड अबव के लिए बेस्ट सूटेड है। सीजन की बात करें तो हर सीजन में सूटेड है, जैसे मैंने बताया विंटर्स में थोड़ी और ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी। इन ऑल बात करें तो ये परफ्यूम आपको कॉफी का बेहतरीन फ्लेवर देती है, साथ ही इसके नोट्स इसको एक प्रीमियम परफ्यूम बनाते हैं, और ये परफ्यूम मस्ट हैव है आपकी परफ्यूम लाइब्रेरी में। अगर आप अंडर 500 rupees में ऐसी नोट प्रोफाइल और ऐसी बढ़िया परफॉर्मेंस चाहते हैं तो इससे दूर ना रहें, इसको ट्राई जरूर करें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। परफ्यूम से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू और अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।